नमस्कार, न्यूज़ली के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आई नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश भर में कोरोना संक्रमण के 5,242 नए मामले, 157 लोगों की मौत। मजदूर कैसे करेंगे 2500 किलोमीटर का रास्ता तय। मोदी जी, केजरीवाल जी, गरीबों की जरूरत के वक्त में आप कहाँ थे। हमारी जो पहली खबर है वो कोविड अपडेट पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में यानी कल 17 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 18 मई सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 5,242 नए मामले सामने आए हैं और 157 लोगों की मौत हुई है। साथ ही इस दौरान कोरोना से पीड़ित 2,715 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 96,169 हो गई है, जिसमें से अभी तक 38.29% यानी 36,824 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के कारण कुल 3,029 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 56,316 हो गई है। आईसीएमआर द्वारा सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 23,02,792 सैंपल की जाँच की गई है, जिसमें से 75,150 सैंपल की जाँच बीते 24 घंटों में हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले 7 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र 2,347, दिल्ली से 721, तमिलनाडु से 639, गुजरात से 391, राजस्थान से 242, मध्य प्रदेश से 188 और पश्चिम बंगाल से 101 मामला सामने आया है। साथ ही उड़ीसा से 91, बिहार से 83, जम्मू और कश्मीर से 62, कर्नाटक से 55, आंध्र प्रदेश से 52, तेलंगाना से 42, हरियाणा से 23, छत्तीसगढ़ से 19, पंजाब से 18, केरल से 14, गोवा से 12, असम से 9, झारखंड से 6, उत्तराखंड से 4, हिमाचल प्रदेश से 2 और एक नया मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। 24 घंटों में देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें चंडीगढ़, त्रिपुरा, लद्दाख, निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, पुडुचेरी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दादर और नागर हवेली शामिल हैं। साथ ही साथ मिजोरम से भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं अपने घर जाने का आसरा देखते हुए। न्यूज़क्लिक के संवाददाता काशिफ ने मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे ही लोगों से बात की जो 2500 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं न्यूज़क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत बुरे हालात हैं। कश्मीर से जो लोग अभी पिछले दिनों गए हैं, 15 बसेज निकली हैं कश्मीर के लिए, वो छात्रों के लिए निकली हैं, लेकिन मजदूरों का जो जत्था आया है इसमें 19 मजदूर हैं कश्मीर के। हम इंदौर से आ रहे हैं पैदल चल के। कहाँ काम करते थे? इंदौर गति ट्रांसपोर्ट में। दिखाइए कुछ है डॉक्यूमेंट आपके पास? जी सर, ये है डॉक्यूमेंट। अच्छा, कितने लोग थे, कहाँ क्या करते थे? वहाँ पे हैंडलिंग का काम करते थे, गाड़ी अनलोडिंग करते थे। अच्छा जी, कब से कर रहे थे? हम 5-6 महीने से कर रहे थे उधर। अच्छा। अभी 2 महीने ऐसे ही थे, काम नहीं था। सैलरी वैलरी मिली? कुछ नहीं मिला 2 महीने से। नहीं मिला कुछ, सैलरी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पैसा भी नहीं दिया आने जाने में। क्या बोले? घर जाना है, घर जाना है। और सेठ बोला कि देख लो अभी लाभ। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? इंदौर से। जा कहाँ रहे? जम्मू। तो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। क्या करते थे आप? काम करते थे ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में? हाँ। तो आप भी सब साथ में इनके? हाँ सर। तो वहाँ जाके क्या सोचा है, क्या करेंगे? घर जाना सोचा गया है, घर है हमारा, घर जाना। अगर ऐसा लगता है आपको कि अगर आपको पहले बताया गया होता कि लॉकडाउन होने वाला है तो हम पहले निकल जाते? पहले निकल जाते। हाँ। और अब तक इसीलिए रुके थे कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? नहीं, कोई संभावना नहीं थी जाने की, खत्म हो नहीं हो, हमको तो जाना था। ऐसे भी जाना था, 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने इधर आ गए। अच्छा। हाँ। कितना कमा लेते थे? मरते कहाँ, अभी तो एक भी नहीं मिला। पिछले 2 महीने का कुछ पैसा मिला? नहीं मिला। मांगा आप लोगों ने? मांगा के जो कमाया पहले वो वाला नहीं मिल रहा, तो ऐसे थोड़ी मिलेगा। पुरानी सैलरी भी नहीं दिया? नहीं दिया। कितने महीने की? किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 8 महीने। इतनी पुरानी सैलरी मिली? नहीं मिली। नहीं मिली। कितने लोगों को? जितने भी लोग आए सभी।
बोले कि घर जाने के लिए नाम वगैरह लिख के दिए और ये लेटर बना के दिए, बोला रोकेगा नहीं कोई। तो आप कश्मीर जा रहे हैं जी, पता है कितना दूर है? पता है ना, 2500 किलोमीटर है। कितना वक्त लगेगा, कुछ देखा? लगेगा एक महीना पैदल जाने में। और आप लोग के पास क्या है? कुछ नहीं है सर, पैसा वैसा कुछ? कुछ नहीं है। कितने लोग हैं? 19 बंदे हैं। 19 लोग हैं जी, सब वहीं काम करते हैं जी, ये सारे बंदे अपने। तो क्या सोचा है, वहाँ क्या करेंगे? अब घर में जाएंगे, जो लॉकडाउन का दिखाया है तो उसका पालन करेंगे, मगर परिवार के पास पहुँचना है सर। और घर परिवार के लिए इतने दूर आते हैं कमाने, और अपने परिवार के पास जाना है भाई। कितना कमाते थे? कितना? 15-18 हज़ार रुपया महीना कमाते थे जी। अभी 2 महीने से कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या सोचा है, वहाँ जाके क्या करेंगे? घर में जाके अपना ही खेती का काम करेंगे, जो होगा। सब एक ही जगह से? जी सर, एक ही जिले के आदमी। एक कौन सा जिला? गांव भी एक ही है। कौन सा जिला? जिला जम्मू। जम्मू गांव? हाँ जी, गांव उधमपुर चनैनी। तो वहां भी तो लॉकडाउन है, वहां फिर कैसे रहेंगे? वहां पहले 14 दिन काटेंगे ना, वो लॉकडाउन के दिखाए हैं जो क्वारंटाइन में। जी अच्छा, 14 दिन वो हमारे उधर रख रहे हैं स्कूलों में। अच्छा, कॉलेज है उधर रख रहे हैं स्कूल में 14 दिन, उन उधर से उसके बाद छोड़ेंगे हमको। घर पे बात हुई? जी। क्या बोल रहे हैं? हमारे सरपंच साहब भी बोल रहे हैं कि 14 दिन उधर रहना पड़ेगा, फिर घर में आने देंगे। बोल रहे हैं आ जाओ। मैं कल जो कश्मीर के 19 लोग आए थे, जो इंदौर की गति कुरियर सर्विस के काम करते थे वहाँ पर, और वो सुबह लगभग 9-9:30 बजे के आसपास आए। उनको हमने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद फिर उनको मेडिकल हेल्प दी और उनके जाने की व्यवस्था कुछ देख रहे थे। इस बीच हमने उनके लिए ई पास बनवाया और जो जम्मू कमिश्नर हैं उनसे भी बात की, यहाँ भोपाल प्रशासन से भी बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में प्रशासन का दबाव लगातार बढ़ा और चंद्रशेखर जो हुजूर के तहसीलदार हैं वो आए और उन्होंने फोर्सफुली उन मजदूरों को ग्वालियर की किसी वाहन में बैठा दिया था। 4 बजे हमारी उनसे आखिरी बात हुई। इसके पहले हमारी डीसी से जो बात हुई थी जम्मू के, उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे के अंदर यहाँ से ट्रेन से उनकी व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन उनको बिना किसी रिकॉर्ड में लिए, उनका ई पास भी बन गया था, उसके लिए बात चल रही थी, लेकिन बिना किसी रिकॉर्ड में लिए उनको किसी वाहन से भेज दिया गया है। अब वो मजदूरों का हमें ट्रेस नहीं हो पा रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। आखिरी बार लगभग 7-8 बजे के बाद उनसे बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ग्वालियर के रास्ते में हैं और प्रशासन ने हमें ग्वालियर छोड़ने को कहा है। कहा है कि ग्वालियर से आगे आप अपना देख लीजिए, जैसे भी जाएं। तो ये बहुत ही लापरवाह हमें लगता है कि काम रहा है प्रशासन का, और प्रशासन ने इस मामले में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया है। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दोनों दावे तो कर रहे हैं कि देश के सभी जरूरतमंद जनता पर कोई परेशानी नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी दिल्ली के तुगलकाबाद की झोपड़ियों में रहने वाले लोग कष्ट झेल रहे हैं। ये लोग बाल्टियां, गाड़ी साफ करने वाले कपड़े, पुराने कपड़े आदि बेचकर अपनी जीविका कमाते थे, कभी दिन के 100 रुपये, कभी 50 रुपये। लेकिन लॉकडाउन के चलते ये पीने और खाना पकाने के पानी तक को मोहताज हो गए। जब गरीब जनता इतने बड़े संकट को झेलने के लिए मजबूर है तो कहाँ है मोदी जी और केजरीवाल, ये इनका सवाल है। वो क्यों इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आइए देखते हैं यह ग्राउंड रिपोर्ट। इसके अंदर चीनी भी है, पत्ती भी है, बच्चे चाय के लिए रोते हैं, दूध के लिए रोते हैं बच्चे। अब बताओ ऐसा पानी पिला पिला के हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। और मोदी और केजरीवाल दिल्ली में, ऑल इंडिया में मशहूर है कि हर गरीबों की हम सहायता करेंगे, मदद करेंगे, किसी बात की परेशानी नहीं आने देंगे। अब वो गरीब इतनी परेशान है, अब वो कहाँ जा रहे मोदी केजरीवाल, क्यों नहीं मदद कर रहे वो? अब आज हम यहाँ तुगलकाबाद दिल्ली के किले के साये में, ये एक पुरानी झुग्गी झोंपड़ी बस्ती है, सामान्य वक्त में भी बहुत गरीबी यहाँ रहती है। नौकरी का सामान है ये, आजाद मार्केट से लाते हैं हम। पहले टब बाल्टी बेच के पुराने कपड़े खरीद के वो बेच के फिर हम अपना गुजारा चलाते थे। बाजार लगते है वहाँ पे, कोई गाड़ी पहुँचने वाले कपड़े होते हैं,
ऐसे वैन होगी, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, वो पहुंचने के लिए कपड़े ले जाते हैं, वो मशीन में फैक्ट्री में वो कपड़े ले जाते हैं। बाल्टी टप वाले को अपना पैसे भर के अपना बचता है 1000-1500 रुपए, हमारे बच्चों को चाय पानी के लेने देने के लिए काम कार्य चल जाता था हमारा। काम तो मेरे बुड्ढा अंधा है, भीख मांग के खाते, और बहु बेटे कपड़े बीनते थे, वो देते 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, जैसा माल दिखता है जैसा लेता है। होता है एक दिन में 50 रुपए भी कमा लेते, बच्चे ओन औरते ओन 100 रुपए भी कमा लेते, खर्चा चला लेते, क्या करें। लोग बताते हैं कि अलग अलग तरीकों से इनका रोजगार चलता है, कोई राजस्थान के गाँव से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश के गाँव से है। हम रोटी खाने वाले सर, चावल तो खाते भी नहीं हैं, फिर भी हम मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं। गर्मी भी बढ़ रही है, पुलिस उनको धकेल के कहता है कि आप घर के अंदर रहें, घर एक छोटी सी झोपड़ी में असहन हो जाता है, इतने सारे लोग तंग तरीके से, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं है, मक्खी हैं, मच्छर हैं, तो वो निकलते हैं तो पुलिस उनको भगाते हैं। लाइट नहीं आती है, मच्छर बहुत खाते हैं, क्या करें। हाँ, गर्मी होती है, पन्नीदार की पन्नी की भी गर्मी हो जाती है, रात भर घबराते रहते बच्चे बच्ची सब। पानी देखो भाजी, यहाँ से पार्क के अंदर जो पेड़ पौधों के अंदर पानी देते हैं ना, वो पानी भर के लेके आते हैं, वो इधर भी नहीं भरने दे रहे पार्क के अंदर, इधर भी नहीं भरने दे रहे। अब टैंकर को बोल बोल के हाथ पर छोड़ के टैंकर मंगवाए, वो उससे पानी भर भर के बैठे हम 4-5 दिन से। मैं 10-12 दिन में आज नहाए सर, क्या करूँ। हाथ धोना तो दूर, सिर्फ खाने पीने के लिए जितने पानी की जरूरत है उतना पानी भी, खाना पकाने में या पीने में जितने पानी की जरूरत है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आप जो राशन दे के गए थे वही खा के बैठे हुए, वैसे तो चावल आते हैं कच्चे पक्के चावल वही खाते हैं, बीमार हो जाते हैं बच्चे। भूख कहीं दूर नहीं है, भूख तो आज हम देख रहे हैं इन घरों में, भूख आज वर्तमान में 3-4-5 दिनों से कई लोगों ने कहा है कि वो खाना नहीं खा पाए हैं। जो थोड़ी बहुत सहायता मिल रही है उससे बहुत कुछ दिनों तक उनका काम चल रहा है। अंदर तेल था, अंदर हल्दी मिर्ची वगैरह, अंदर सब कुछ आटा चावल सब थे, तो हमारा 15-16 दिन निकल गए थे उनसे, इसीलिए हम याद कर रहे थे कि वो भैया आ जाए, कोई हमारा खाने के लिए राशन पानी दे जाए, तो वो टाइम निकल गया। जब से इन्होंने सुना है कि लॉकडाउन और बढ़ गया है, बहुत बेचैनी है कि हम लोग कैसे इन दिनों को गुजारेंगे। क्या करें बहू जी, इसका माल की हम क्या पूजा करें, अब जब हमारे बच्चों को रोटी नहीं है तो ऐसे माल को आग लगाए बहू जी, हम क्या करें, इसको बेच के दाल बच्चों को दाल रोटी गुजारा तो करते थे बहू जी, बिल्कुल
जाने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे। हमारी तरफ से मोदी को हम जो ऐलान दे रहे केजरीवाल को कि हमारी अब जो कोरोना बारिश से इतनी परेशानी हो रही है, हमारी मदद करो। पैसा नहीं है, एक एक मदद नहीं करोगे इंसान मरेगा, ऐसे बोले कि बीमारी फैली है, इनको ले जाओ जला दो फटाफट, ऐसा थोड़ी ना होएगा। फिर ऐसे तो सारे मर जाएंगे हम भूख के मारे। यही ये दिल्ली की कहानी है। तो दूर जो इलाके हैं देश के, उनमें उसमें क्या स्थिति होगी, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। न्यूज़क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़क्लिक की वेबसाइट पर। हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज़क्लिक। धन्यवाद।